यानी इन दोनों को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को संतुलित करने के लिए हमारे मन का एक और हिस्सा होता है, जैसे फ्राइड महोदय क्या कहते हैं, ईगो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर प्लूटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका संबंध यूपीएससी के साथ साथ तो है ही, इसके अलावा जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से भी इसका कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। तो ये एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ईगो। ये जो ईगो शब्द है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने और समझने का प्रयास किया, तो मैं ये इसका एक प्रकार से भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन के अनुसार मैं इसका एक हिंदी अनुवाद जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया और उसके बाद मैं एक शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी जो, यानी भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, भारतीय किताबों के अनुसार जो काफ़ी सारे जो स्रोत हैं वहाँ से मुझे एक शब्द मिला जो इसका मुझे सटीक और सबसे ठीक ठाक जो है अनुवाद मिला हिंदी में, तो वो शब्द का नाम है अहंकार। ठीक है, तो ये जो ईगो शब्द है, इस ईगो शब्द का जो मुझे हिंदी अनुवाद भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार इसका जो मुझे अनुवाद सबसे ठीक लगा वो अहंकार शब्द जो है, ये शब्द के बारे में मुझे भारतीय संदर्भ में ये शब्द जो है मिल पाया। लेकिन चूंकि कोई भी बात जब जो पुरानी परंपरा, यानी एक प्रकार से भारत में यहाँ पर तो एक जो परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई भी बात हमको कहनी है तो पश्चिम के जो विचारक हैं और पश्चिम के जो थिंकर्स हैं, जब तक उनकी कोई बात नहीं की जाए तब तक जो है वो बात कहीं ना कहीं अधूरी मसी मानी जाती है, या उसमें कुछ जो है एक प्रकार से कहें तो वजनदारी कम मानी जाती है। तो चलिए उसी परंपरा को हम भी आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर अपनी बात को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ पश्चिम के विचारकों को सामने लेके आते हैं, जो कि यहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है कि जब तक पश्चिम के विचारक जो हैं वो नहीं लाए जाएंगे तब तक जो है बात कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से नहीं मानी जाती है। तो आप सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण, एक यानी पश्चिम जगत के महान विचारक का नाम सुना होगा, जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। तो जो फ्राइड महोदय हैं उनके द्वारा इस ईगो के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया और सभी स्रोतों में, सभी सोर्सेस में, यानी ईगो के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात बताई, लेकिन इनकी जो थ्योरी है काफ़ी हद तक वो बहुत सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। ये क्या कहते हैं इसके बारे में, चलिए समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो जो फ्राइड महोदय हैं उनके द्वारा ये बात कही जाती है ईगो के संबंध में कि एक व्यक्ति का अंतर्मन होता है, एक व्यक्ति का अंतर्मन होता है, उस अंतर्मन की जो गहराई होती है उस गहराई में बेसिक, मूलभूत प्रेरणाएं छुपी होती हैं या रहती हैं, और वो जो मानवीय प्रेरणाएं जो व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई में रहती हैं वो सदियों से चली आ रही हैं। उसी का ही एक हिस्सा जिसे कहा गया कि उसका ही एक जो केंद्र या उसका ही एक मन, उसे नाम दिया गया क्या, ईद। तो यहां मैं आपसे, आपके सामने एक शब्द लिखने जा रहा हूं, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट ये जो शब्द है ये कहा गया फ्राइड महोदय के द्वारा कि जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, उनके अंतर्मन में मूलभूत प्राकृतिक प्रेरणाएं रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, लेकिन चूंकि मनुष्य समाज में रहता है और ये प्राकृतिक प्रेरणाएं कौन सी हैं, जैसे
एक प्रकार से भावात्मक पक्ष, या फिर भूख मान लें, प्यास मान लें, या फिर जो है लैंगिक भावनाएं मान लें, तो ये सारी जो ये जो पक्ष है, इस पक्ष को कहा गया है कि मनुष्य जब जो है इस संसार में आया, जब इस प्रकृति में आया, तब से ये सारी भावनाएं उसके अंदर थी। लेकिन जैसा कि कहा गया कि मैन इज द सोशल ह्यूमन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात धीरे 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 सभ्यताओं के विकास के अंतर्गत मनुष्य ने ये जो अपनी अवस्थाएं हैं इसको कहीं ना कहीं छुपाना या इसको ढकना प्रारंभ किया। तो अंतर्मन की जो मूल अवस्थाएं होती है उसको नाम दिया गया इंस्टिंक्ट, और उसी इंस्टिंक्ट का एक मन जो बनता है उसे नाम दिया गया ईद। क्या नाम दिया गया उसे? ईद। और इस ईद को एक प्रकार से निरूपित किया गया जो हमारी शारीरिक भूख प्यास और लैंगिक कहीं ना कहीं जो स्थितियां होती हैं वो जो है इसके अंतर्गत रखने का प्रयास किया गया है। फिर फ्राइड महोदय ये कहते हैं कि इस ईद के बाद जो है दूसरा जो शब्द आता है वो आता है ईगो, जिसे हम कई बार अहम भी बोल देते हैं, और तीसरा जो शब्द है उसे कहा गया सुपर ईगो। क्या कहा गया उसे? सुपर ईगो, ठीक है, जिसे कहा गया परा, परा जो है अहम। तो यहां पर आपको यह बात समझनी है कि फ्राइड महोदय ये कहते हैं ये जो सुपर ईगो है, जब व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते रहते सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्य और समाज की नैतिकता इत्यादि को सीखता है, तो इस प्रकार से उसका एक सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। लेकिन चूंकि अभी थोड़ी देर पहले कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना जाता है, लेकिन मूल रूप से तो उसके अंदर जो अंतर मन के अंतर्गत जो प्राकृतिक जो मूलभूत जो प्रेरणाएं होती हैं वो तो सदियों से चली आ रही हैं, जिसको हमने क्या कहा, इंस्टिंक्ट, जो मनुष्य के अंतर मन की मूलभूत जो अवस्था, और उसी का एक मन क्या कहा, ईद। और सुपर ईगो किसे कहा? सुपर ईगो से कहा जो मनुष्य समाज में नैतिकता के रूप में और अन्य जितने भी मूल्य इत्यादि सीखता है उसके रूप में उसका एक सुपर ईगो विकसित होता है। फिर फ्राइड महोदय कहते हैं कि ये तो जो है मूल अवस्था है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसने समाज से सीखी है और इससे जो है बहुत सारी चीजें ढकने का प्रयास किया है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं? खींचती हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। तो इनको बैलेंस बनाने के लिए मन का एक और हिस्सा होता है, यानी हमारे अंतर्मन का वो एक और हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है ईगो। यानी इन दोनों को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को संतुलित करने के लिए हमारे मन का एक और हिस्सा होता है जिसे फ्राइड महोदय क्या कहते हैं? ईगो। तो ये उन्होंने ईगो की इस प्रकार परिभाषा देने का प्रयास किया कि ये जो ईगो होता है ये ईगो और कुछ नहीं है, ये ईद और सुपर ईगो इन दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है। और इन दोनों को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करते करते जो है ये हमारे मन में एक रूप से स्थायी हो जाता है। चलिए मान लेते हैं फ्राइड महोदय ने ये जो भी कहा ठीक कहा होगा, लेकिन भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यदि इसी अहंकार और ईगो को समझा जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। यानी इनके विचार और इनके विचारों में कोई समानता दिखती ही नहीं है। जैसे आपके सामने यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अहंकार और यहां एक शब्द लिखा हुआ है ईगो। अब ये मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जो है बहुत डिटेल में इन चीजों को किसी दिन और लेके आएंगे, जिसमें मुझे इस बात पे भी चर्चा करनी है कि जब फ्राइड महोदय ने ये सारी बातें कह दी तो फिर अवसाद, फ्रस्ट्रेशन और ये जो ईगो है, ये अंतर्मन कौन सा अंतर्मन है? इस अंतर्मन के फिर उन्होंने दो हिस्से कर दिए। फिर क्या अंतर्मन की जो मूल प्रेरणाएं हैं वो आज की थ्योरी के अनुसार यानी एक डीएनए से दूसरे डीएनए में जाती है? वो सारी चीजों पे मुझे कुछ यानी मेरे भी कुछ प्रश्न थे तो मैं उन पे अभी नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो बस ये कह रहा हूं इन्होंने जो कहा होगा अपनी जगह ठीक कहा होगा, लेकिन इनके द्वारा दी गई जो ईगो की परिभाषा है और भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं के अनुसार जो
ईगो, जिसे जिसका जो हमने हिंदी अर्थ निकाला अहंकार, इसकी जो परिभाषा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसमें एक बहुत बड़ी खाई है। कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो शब्द लिखा है अहंकार, भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार, इसका जो अर्थ कहा गया है, अहंकार का मतलब होता है मैं, और मैं को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि यदि उस ब्रह्म से यदि कोई भी अलग विचार रखा और अलग विचारधारा की ओर आगे बढ़े तो क्या हो गए, दो हो गए, यानी मैं के रूप में एक विचारधारा आगे बढ़ गई, तो वहीं पर जो है उन्होंने अहंकार की परिभाषा को क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं, एक छोटी सी कहानी इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपने भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतारों का नाम सुना होगा, उसमें वामन अवतार का भी नाम सुना होगा आपने। तो वामन अवतार भगवान श्री कृष्ण ने लिया, उसके पीछे का क्या कंसेप्ट था, राजा बलि जो असुरों के देवता थे वो अपना अंतिम सोवा यज्ञ करने जा रहे थे और देवताओं के ऊपर उन्होंने जीत प्राप्त कर ली थी, जिससे सभी देवता जो हैं वो स्वर्ग से निष्कासित हो जाते, यानी स्वर्ग से हट जाते, क्योंकि राजा बलि जो है वो स्वर्ग पर अधिकार उन्होंने कर लिया था। तो देवता बहुत ज़्यादा चिंतित थे, देवताओं में अत्यधिक जो है चिंताग्रस्त अवस्था थी। तो वो देवता अपने जो माता अदिति के पास जाते हैं, अदिति इस बात को कश्यप ऋषि के पास लेके जाती हैं, और कश्यप ऋषि के प्रयासों से जो विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं, यानी कि वामन अवतार, वो विष्णु जो है वो वामन अवतार के रूप में इस जो है पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। मूल मुद्दा क्या था, मूल मुद्दा ये था कि राजा बलि असुरों के देवता थे, उनके गुरु शुक्राचार्य थे, वो एक अंतिम यज्ञ करने जा रहे थे, वो यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो पूरे ब्रह्मांड पे और तीनों लोक पे इनका अधिकार हो जाता, जिसके कारण देवता जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ से निष्कासित होना पड़ता। तो वो देवताओं को जब ये चिंता हुई तो देवता किसके पास गए, अपनी माता अदिति के पास। फिर ये बात जो है उनकी माता अदिति किसके पास रखती है, कश्यप ऋषि के पास, और कश्यप ऋषि के प्रयासों से जो विष्णु जो भगवान है वो किसका अवतार लेते हैं, वामन अवतार के रूप में इस धरती पर आते हैं। तो वामन अवतार के रूप में जो है विष्णु, जब यानी विष्णु भगवान वामन अवतार का रूप लेकर जब इस धरती पर आते हैं, और राजा बलि का यज्ञ संपन्न हो रहा था, और जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, वो शुक्राचार्य के द्वारा लगातार आहुतियां पे आहुतियां दी जा रही थी यज्ञ में, वामन देव यानी एक प्रकार से ब्राह्मण बालक जिसे कहा गया है वामन देव, तो जो वामन देवता थे वो राजा बलि के दरबार और द्वार पर पहुंचते और कहते हैं भिक्षाम देही। तो राजा बलि जैसे ही उस छोटे से बालक यानी वामन अवतार के रूप में उस छोटे से बालक को देखते हैं, तो राजा बलि के चेहरे पर अट्टहासी मुस्कान छा जाती है, इसमें हास्य के रूप में उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वो एक प्रकार से कहते हैं कि बालक बोल क्या चाहिए तुझे। तो वो वामन अवतार के रूप में जो आए हुए थे वो वामन ये बोलते हैं, राजन मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि ने बोला, सिर्फ इतनी छोटी सी बात, 3 पग जमीन, अरे और मांगो क्या चाहिए। ये बात शुक्राचार्य बगल में खड़े हुए सुन रहे थे, शुक्राचार्य ने मना किया कि ये साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं, इनको ये 3 पग देने का संकल्प मत करो। लेकिन राजा बलि कहते हैं, अब तो मैं बोल चुका हूं इनको क्या चाहिए बोलो, इसलिए अब मैं अपना वचन खाली नहीं जाने दूंगा। इसके बाद भी शुक्राचार्य मना करते हैं, लेकिन जैसे ही कमंडल जो जल का पात्र होता है उससे जैसे ही जल हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, तो जहां से वो जल निकलता है उसके बीच में एक लकड़ी जो है वो क्या कर देते हैं, यानी कि उसके बीच में जो है शुक्राचार्य जाकर बैठ जाते हैं। तो उसके बीच में एक लकड़ी जो है वो वामन देवता जो है उसके बीच में एक लकड़ी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्थापित कर देते हैं, जिसके कारण शुक्राचार्य जो है उनकी एक आंख फूट जाती है, और शुक्राचार्य को वहां से हटना पड़ा, और वो जो जल है वो धरती पे गिरने लगता है, और वो हाथ में लेकर राजा बलि जो है वचन दे देते हैं, ठीक है वामन देवता तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूरी पूर्ति की जाएगी। तो पहले पग यानी वो ये कहते हैं वामन अवतार में विष्णु भगवान ये कहते हैं कि मुझे पहले पग में ये पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं ठीक है ले जाओ ये पृथ्वी। उसके बाद
वो अपने अवतार के रूप में और बड़े होते हैं और कहते हैं मुझे दूसरे पग में जो है ये स्वर्ग आकाश, ये जो है आकाश लोक चाहिए, स्वर्ग चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं ठीक है, आप दूसरे पग में जो है ये आकाश ये स्वर्ग लोक नाप दीजिए। अब वो जो बावन अवतार के रूप में विष्णु भगवान थे वो ये कहते हैं राजा बलि अब तुम तीसरे पग में क्या दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो राजा बलि, कहा जाता है कि भाई सबसे बड़े दानियों में भी एक राजा बलि का नाम है, तो राजा बलि कहते हैं तीसरे पग में आप मेरा अहंकार, तीसरा पग जो है वो आप मेरे सर पे रखो। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ये जो अहंकार शब्द है इसको इन दो लोगों के बराबर स्थापित कर दिया राजा बलि ने, यानी कि पृथ्वी, आकाश, पाताल, स्वर्गलोक, उसके ही समतुल्य किसको स्थापित कर दिया, अहंकार को। यानी अहंकार जो शब्द है वो छोटा बड़ा छोटा मोटा शब्द नहीं है, यानी इतना बड़ा ये जो शब्द है कि उन्होंने कहा कि तीसरा पग जो है वो आप मेरे सर पे रखो, यानी मेरे अहंकार के ऊपर रखो। तो यहां से मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए कितनी बड़ी ये एक प्रकार से इसे हमारे आध्यात्मिक जगत में कितना बड़ा इसे स्थान मिला हुआ है अहंकार शब्द को। यानी अहंकार को इस लोक में लोकों के बराबर माना गया है, स्वर्ग लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी, इसके समतुल्य माना गया है अहंकार, और अहंकार को एक अलग दर्जा दिया गया है। तो यह मैं महत्व तो आपको बताने का प्रयास कर रहा था, इसके पीछे मेरा जो मूलभूत उद्देश्य था कि अहंकार को हमारे यहां कितना महत्व दिया गया है। और यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जब भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा में अहंकार को जब परिभाषित करने जाते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं। यानी यहां पर सिगमंड फ्राइड की तरह कोई उन्होंने बात करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ एक ही बात कही है, मैं। और मैं का यह मतलब कहते हैं कि यदि आप ब्रह्म के अलावा किसी अन्य विचार या सोच पर चलते हो तो निश्चित रूप से जो है वो आपके अंदर एक अलग विचार, अलग विचारधारा जो है वो ब्रह्म से अलग यदि आप जाओगे तो यानी आपके अंदर क्या आ गया, मैं आ गया। तो यहां पर बात कही गई है एक की, यहां पर बात किसकी कही गई है, एक की। यदि एक से अलग विचारधारा रखी तो फिर क्या आ गया, मैं यानी अहंकार। तो यहां पर जो बात कहने का प्रयास किया जा रहा है जिसको अनेक उदाहरणों में समझाया गया है, जैसे एक उदाहरण और लेने का प्रयास करते हैं। जैसे श्री कृष्ण जो है एक अपने दूत को भेजते हैं जिसका नाम था उद्धव। तो उद्धव जो है वो गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को जो है मनाने का प्रयास करते हैं, श्री कृष्ण का संदेशा भेजते हैं। तो गोपियां जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मोरो मन विसरत नहीं, उद्धव जाके कह दो अपने मदन गोपाल से, अपने चित्त चोर से, अपने बाल गोपाल से, अपने कृष्ण कन्हैया से, हमारे पास दो मन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक मन है। और वो जो एक मन था वो तो चला गया, वो तो वो कृष्ण चुरा कर ले गए। दूसरा उदाहरण इसी से संबंधित, ये कहा गया कि जब मैंने अपनी छवि देखी तो मैं उनकी छवि भूल गया, और जब उनकी छवि देखी तो मैं अपनी छवि भूल गया। तो यहां पर जो बात कही जा रही है वो एक की बात कही जा रही है, यानी कि छवि का मतलब यहां कहने का प्रयास किया जा रहा है ब्रह्म के बारे में। यानी जब मैं, कौन सा शब्द आ गया, मैं जब शब्द आ गया, यानी जब मैंने अपनी छवि देखने का प्रयास किया तो उनकी छवि गायब हो गई, और जब उनकी छवि देखी तो मैं था ही नहीं, यानी फिर मैं जो है वो बचा नहीं। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है, सिर्फ एक की। और ब्रह्म में भी किसकी बात की जा रही है, सिर्फ एक की। तो यहां ये कुछ मैंने आपके सामने उदाहरण रखने का प्रयास किया, इनके पीछे मेरा मूलभूत उद्देश्य क्या था, मूलभूत उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यहां पर जो अहंकार है
उसको भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा के अनुसार किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, क्या अहंकार बुरी चीज है? भारतीय परंपराओं के अनुसार यदि समझा जाए तो याद रखिए, अहंकार बुरी चीज नहीं है। इसको तीन भागों में परिभाषित किया गया है, एक है तामसिक, एक है राजसिक और एक है सात्विक। तो तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार, इसमें जो हमारे मतलब का है, यानी हम जो ये दूसरा शब्द लेके आए हैं यूपीएससी, तो जो हमारे मतलब का जो अहंकार है वो है कौन सा? वो है सात्विक अहंकार। यानी अहंकारों को तीन भागों में वर्गित विभाजित कर दिया, और उन तीन प्रकार के जो अहंकार थे, तामसिक, राजसिक और सात्विक, उसमें हमारे मतलब का जो अहंकार है वो है सात्विक अहंकार। यहां आपको ये बात समझनी है कि बिना अहंकार के इस दुनिया में कोई भी अपने संकल्प को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। लेकिन समझाने का सिर्फ इतना प्रयास किया गया है कि भाई आप अपने आप को ब्रह्म का अंश मानो, वो जैसे आपको आगे ले जा रहे हैं वैसे आगे चलते जाओ, उसकी रजा में मेरी रजा, उसकी इच्छा में मेरी इच्छा। लेकिन आप जो अपने संकल्प बना रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक अहम, एक विचार और एक जो है आपकी, एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक जो है वो ऐसी अवस्था जरूर आएगी कि भाई ये संकल्प, ये विचार जो है मुझे पूरा करना है, क्योंकि समाज से, घर से, परिवार से ये सारी बातें जो है मैं सीख के आया हूँ, और अब जो है मुझे इस एग्जाम को निकालना है या मुझे यहाँ पर सफलता प्राप्त करनी है। तो वो संकल्प का यदि अहंकार है तो कोई गलत अहंकार नहीं है, वो यदि जिद है तो कोई गलत जिद नहीं है, और वो यदि एक प्रकार से माना जाए कि यदि वो ईगो है तो कोई गलत बात नहीं है। तो यहां पर स्वीकृति दी गई है भारतीय परंपराओं के अनुसार। अहंकार में भी किस वाले पक्ष को स्वीकृति दी गई है? सात्विक। हमारे मतलब का कौन सा है? यही है हमारा मतलब, यानी यूपीएससी के पर्पस से। तो इस बात को विशेष रूप से मान के चलना है कि ये जो विचार और ये जो संकल्प है, जो आपने कभी भी अपनी तैयारी के दौरान लिया होगा कि मुझे ये कार्य करना है, और यकीन मानिए यदि वो संकल्प आपके अंदर एक प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं, यानी इनकी भाषा में अवचेतन मन के अंतर्गत वो संकल्प यदि आ चुका है, तो फिर पूरा जो शरीर है, जो पूरा मनोविज्ञान है, जो पूरी मनोभावनाएं हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। ये एक सिद्धांत है, ये एक प्रिंसिपल है, इसको कोई भी आज तक नहीं काट पाया है। पर समस्या कहाँ जाती है? संकल्प तो सब लोग ले सकते हैं, ले लेते हैं कि भैया मैं भी आईएएस बनूंगा, मैं भी कलेक्टर बनूंगा, मैं भी आईपीएस बनूंगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं कि जो संकल्प लिया उसके अनुसार जो हमारा मनोविज्ञान और जो मनोवृत्तियां हैं उसमें यदि हमने चित्त को दूषित कर दिया, मलिन कर दिया, तो बताइए वो संकल्प अब कैसे बना रहेगा, वो संकल्प जो है वो कैसे पूरा होगा। तो इसकी एक पूरी थ्योरी है, इसके बारे में मैं हालांकि पहले बता चुका हूं, तो उस पर मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें पहले मैं बता चुका हूं। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि संकल्प और कोई भी विचार यदि आपने जीवन में रखा है, तो वो बिल्कुल भी एक प्रकार से यदि आप उसको अपने दिमाग में लेकर आते हैं, तो आपके शरीर की पूरा जो मनोविज्ञान और जो पूरी मनोवृत्तियां हैं वो उसको पूरा करने में लगा देंगी। लेकिन संकल्प और विचार तो सबसे पहले लेना ही पड़ेगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पहले ये विचार लाएगा उसके बाद तैयारी करेगा। यानी सारे विद्यार्थी जो है पहले विचार लाएंगे फिर तैयारी करेंगे। तो यहां पर मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो अहम है, ये जो ईगो है, इसको गलत नहीं माना है, यानी तीसरे वाले पार्ट को हमारे भारतीय दर्शन में गलत नहीं माना गया है। एक शब्द और सुना होगा आपने, ईगो हर्ट हो गया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक शब्द से उनका ईगो हर्ट हो जाता है।
कहीं एक शब्द उनको लिखा हुआ मिल गया कि जो है किसी चिट्ठी में या किसी अन्य मेल इत्यादि में कहीं एक शब्द आ गया, तो इतने में ही लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। तो ईगो हर्ट क्यों होता है, ईगो हर्ट से अवसाद की स्थिति में कब पहुंचते हैं, और जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, और उसी का ही एक छोटा सा शिशु है एंजाइटी। तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, अवसाद और ईगो का हर्ट होना, इसके बारे में मैं अलग से एक सेशन लेके आऊंगा। आज तो मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि अहंकार को भारतीय परंपराओं, भारतीय दर्शन में कैसे समझाया गया, और ये जो ईगो शब्द है, यानी जो ईगो का ही जो हमने अर्थ निकाला हिंदी अनुवाद, वो पश्चिम के जो विद्वान हैं वो किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं, भारतीय जो विद्वान हैं वो किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, उसमें मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया। यानी राजा बलि की कहानी, यानी उसके अहंकार को सबसे बड़ा अहंकार माना गया है। एक और आपने चीजें सुनी होंगी, यानी सल्तनत काल में बलवन, यदि थोड़ा सा जो है यदि आप इस तैयारी से जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से बलवन का नाम ऐसा नहीं हो सकता कोई जो ना जानता हो। बलवन ने एक परंपरा चलाई थी सिजदा और पायबोस की। सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना और हाथ को सर तक लाना, और तीन बार क्या करना, सलाम करना। पायबोस का मतलब ये होता है कि जो सर है, जो नाक है, वो बादशाह के चरणों, उसके जूते के ऊपर क्या रख देना, रख कर उसके चरणों को चूमना। तो जब कोई व्यक्ति बार बार किसी के चरणों को, किसी के पैर में अपनी नाक रगड़ेगा, तो उसका जो अहम है, यानी ये कार्य क्यों किया जा रहा है, क्या इससे कोई राज खजाना या राजकोष बढ़ेगा, नहीं। ये कार्य इसलिए कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का दूसरा अहंकार पैदा ना हो जाए, यानी बलवन के आगे जो कोई भी व्यक्ति आए वो उनके जूते के सामने अपनी नाक जरूर रगड़े। ये परंपरा हमारे, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी ये सारी चीजें आपको जगह जगह मिल जाएंगी। कुछ लोगों ने तो इस पर बहुत सारे गाने बना दिए। एक शब्द कहा गया, उस सर को सर नहीं कहा गया जो हर दर पे झुक जाए। वो सर सर नहीं है जो हर दर पे झुक जाए, यानी यहां पे भी कहीं ना कहीं किसकी बात की जा रही है, ईगो अहंकार की। तो इन सब बातों के पीछे मेरा मूलभूत उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये जो ईगो है वो किस अवस्था में भारतीय परंपराओं के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार अच्छा माना गया, सात्विक परंपरा, और ये बना रहना चाहिए संकल्प सिद्धि के लिए। बस यही एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मित्रों, आज के लिए है, मुझे लगता है पर्याप्त चीजें आप तक पहुंच गई हैं। यही एक बात आप अपने घर पे लेके जाइए, यदि संकल्प की सिद्धि आपके मस्तिष्क में है तो यकीन मानिए शरीर की जितनी भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, जिसको हम लोग हार्मोनल कह सकते हैं, जिसको हम लोग किसी भी प्रकार से नस नाड़ियां और किसी भी प्रकार से आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में जो भी हमारे शरीर के अंदर जो संचालित होते हैं सिग्नल एक से, वो सारे जो है कहीं ना कहीं आपके संकल्प और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि एक मनोविज्ञान है इस शरीर का, और वो मनोविज्ञान ये कहता है केंद्र पे पहुंचना है, इसको कोई नहीं खारिज कर पाया आज तक। यहीं तक मैं आपको अपनी बात कहना चाह रहा था। तो मित्रों, बस यही बात आप घर लेके जाइए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।